afternoon, all my dear students. My name is Julie. I hope you all are doing well. Today I will teach you English, which is a very interesting subject, and the topic which I will teach you today is tenses. It is a very, very important topic, and it plays a very important role when you want to learn English language. Tenses, yes. What are tenses, my dear students? Tense is something which tells us when the action expressed by the verb took place. There are three main divisions of tenses. Basically, tenses जो होते हैं वो हमें दो चीजों के बारे में information देते हैं, verb के बारे में and time के बारे में. Time के बारे में ऐसे कि कोई भी काम जो हो रहा है, कोई भी action perform हो रहा है, वो कौन से time में हो रहा है, and verb जो है वो हमारा कितना complete हुआ है. ठीक है, tenses के जो होते हैं अपने rules होते हैं. On the basis of time, tenses are divided into three categories: present tense, past tense and future tense. And on the basis of verb, tenses are divided into four categories: a simple indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. Okay, first of all we will talk about past tenses. Past tense is used to talk about actions which took place in the past. Aise kaam jo aapke already past mein ho chuke hain, un kaam ko le jo bhutkal mein hamare ho chuke hain, jo beet chuke hain, उन्हें हम क्या रखते हैं, किस कैटेगरी में रखते हैं, पास्ट टेंस में रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मंजुला स्टडीड इन द स्कूल. मंजुला स्कूल में पढ़ी, मतलब अब वो पढ़ नहीं रही है, वो पढ़ चुकी है आपके. ठीक है, वो पढ़ती थी किसी टाइम पे. ग्रेटल वॉज क्लीनिंग हर हाउस. ग्रेटल जो है अपने हाउस को क्लीन कर रही थी, साफ कर रही थी, अब नहीं कर रही है, वो पहले कर रही थी, वो काम अब हमारा पास्ट में जा चुका है. ठीक है, रमन हैड परफेक्टेड द आर्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी. ठीक है, रमन हैड परफेक्टेड द आर्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, मतलब आर्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मेहमान नवाजी की जो एक कला होती है, रमन ने उसे परफेक्ट कर लिया था. ठीक है, वो काम क्या है, ये आपका पास्ट का काम हो गया आपका. ये रमन हैड बीन टूरिंग द कंट्री दिस टाइम लास्ट ईयर, ये भी आपका पास्ट को शो कर रहा है. ठीक है, जो आपका फर्स्ट मंजुला स्टडीड इन द स्कूल आता है, ये आपका सिंपल किस में आता है, सिंपल पास्ट टेंस में आता है, पास्ट इंडेफिनेट में. गीता वो ग्रेटल वॉज क्लीनिंग हर हाउस, ये आपका आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में. थर्ड वाला आता है पास्ट परफेक्ट में. फोर्थ वाला आता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, जैसे कि मैंने आपको बताया. प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं आपके, प्रेजेंट टेंस जो होते हैं दे आर यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस व्हिच टेक प्लेस इन प्रेजेंट. ऐसे काम जो प्रेजेंट में हो रहे हैं उनको हम पास्ट प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं. ऐसे सेंटेंसेस जिनको पढ़ने से हमें पता चले काम तो प्रेजेंट में हो रहा है, अब वो टाइप क्या होगा आगे बताएंगे, कि काम कितना कम्प्लीट हुआ वो उनके टाइप से पता चलेगा. सरिता लिव्स विद हर पेरेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, भाई प्रेजेंट की बात चल रही है, रहती है, अभी चल रहा है वो काम. यामिनी इज प्रिपेयरिंग डिनर फॉर हर फैमिली, यामिनी डिनर प्रिपेयर कर रही है अपनी फैमिली के लिए, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, काम चल रहा है आपका. आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ, मतलब अभी हाल ही में मैंने अपना काम खत्म किया है, तो वो भी प्रेजेंट की बात हुई है. द कंपनी हैज बीन फंक्शनिंग वेल, कंपनी जो है वो अच्छा काम कर रही है, काफी टाइम से अच्छा काम कर रही है. ठीक है, ये भी प्रेजेंट की बात है. अब आते हैं आपके फ्यूचर टेंस के बारे में. फ्यूचर टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस व्हिच विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, ऐसे काम जो फ्यूचर में होंगे, हुए नहीं है अभी, वो अभी हुए नहीं है, वो फ्यूचर में आपके काम होंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, गीता विल रिटर्न द बुक. गीता बुक रिटर्न करेगी, कब करेगी, फ्यूचर में करेगी. आई शैल बी ट्रेवलिंग टू म्यूनिख, मैं ट्रेवल करूंगा, फ्यूचर में करूंगा, अभी मैंने नहीं करा ट्रेवल. रजत विल हैव कम्प्लीटेड हिज कोर्स इन सम टाइम, फ्यूचर में आने वाले टाइम में जो रजत है वो अपने काम को कंप्लीट कर चुका होगा, जो उसके छोटे मोटे काम है. ठीक है, बीना विल हैव बीन वर्किंग विद अस फॉर 10 इयर्स, आने वाले समय में इस टाइम पर पर्टिकुलर बताते हैं ये कि जो बीना है वो हमारे साथ काम कर रही होगी 10 ईयर से, मतलब 10 साल तक, आने वाले 10 सालों में वो काम कर रही होगी हमारे साथ. ठीक है, फ्यूचर की बात बता रहे हैं. अब मैंने आपको बताया कि टाइम के बेसिस पे तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, कोई डाउट नहीं उसमें. ठीक है, अब हम लोग बताते हैं कि वर्क के बेसिस पे मैंने आपको बताया सिंपल कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. वर्क के बेसिस पे हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं कि काम प्रेजेंट टेंस, टाइम तो आपका प्रेजेंट का है, लेकिन टाइम तो आपका प्रेजेंट का है, लेकिन क्या है आपका, टाइम प्रेजेंट का है, लेकिन काम कितना है, अब आपका काम कितना आपका
हुआ है वो इन टाइप से पता चलेगा. सिंपल को सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस कहने का मतलब ये है, इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं. कॉन्टिन्यूअस मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. मैंने बताया इंडेफिनिट वो जो डेफिनेट नहीं है, हमें नहीं पता कितना कंप्लीट हुआ कितना नहीं. कॉन्टिन्यूअस मतलब विच इज स्टिल इन प्रोग्रेस, जो चल रहा है. परफेक्ट मतलब जो पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब जो पर्टिकुलर पीरियड या पॉइंट ऑफ टाइम से वो काम आपका चल रहा है. ठीक है. सिंपल प्रेजेंट टेंस, एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस का देखो मैं आपको ये बताऊं कि पहचानी ये होती है आपकी कि ता है, ती है, ते है, इनके पीछे यही आता है, मैं काम करता हूँ, ता है, ती है. ये सिंपल इनडेफिनेट की पहचान होती है. वो चलो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, पहले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. ये जो बेसिकली जो प्रेजेंट टेंस होते हैं वो क्या बताते हैं हमें, हम लोग जो अपनी एबिलिटीज बताते हैं, अपने एक्शंस बताते हैं, शेड्यूल्स बताते हैं, रूटीन बताने के लिए यूज की जाती है ज्यादातर. आई एक्सरसाइज एवरी डे, क्या है ये आपका हैबिचुअल एक्शन है, आप अपनी हैबिट बता रहे हो. माला विजिट हर मदर ऑन ट्यूजडे, ये भी आपका एक प्रेजेंट टेंस में है कि माला विजिट करती है अपनी मदर को ट्यूजडे पर, ये भी आपकी हैबिचुअल एक्शन है, आपकी हैबिट है ये. एबिलिटीज में आते हैं मनीषा प्लेज द फ्लूट, ऋषि कैन ड्राइव कार्स, तो ये सब क्या है आपका एबिलिटीज को शो कर रहे हैं. तो बेसिकली ये जो फैक्ट्स इवेंट्स नॉन फैक्चुअल बिलीफ, ये आपको क्या बताना चाह रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि जो प्रेजेंट टेंस है वो यूजुअली आपके इसलिए यूज किए जाते हैं हैबिचुअल एक्शंस, किसी की हैबिट बताने के लिए, एबिलिटी बताने के लिए, इवेंट्स जो आने वाले हैं फ्यूचर में वो बताने के लिए, फैक्ट्स बताने के लिए, नॉन फैक्चुअल बिलीफ्स बताने के लिए. ठीक है. तो इसलिए यूज किए जाते हैं. ओके. जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है हमारा, मैं आपको एक बात बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टेंस के अंदर चार कैटेगरी थी. सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो ये वो हैबिट्स एबिलिटी इवेंट्स फैक्ट्स एंड नॉन फैक्चुअल बिलीफ्स बताने के लिए यूज किए जाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके. सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रही हूँ मैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट. सेकेंड कैटेगरी आती है हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, जो काम हमारा करंटली अभी तुरंत हाल ही में चल रहा है, अभी रुका नहीं है, ये अभी प्रोग्रेस में है, ऐसा काम. ठीक है. इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो इज एम आर लगती है आपकी. ऊपर हम लोग देख लेते हैं, ऊपर में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है आपकी सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो डू एंड डज लगती है आपकी. ठीक है. हिंदी में इनकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है. ठीक है. ये आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, मैं फिर भी आपको एक साथ साथ चीजों की क्लैरिफिकेशन देती जा रही हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होते हैं आपका, इनकी हिंदी में पहचान होती है ता है, ती है, ते है. हेल्पिंग वर्ब जो इनमें लगती है वो लगती है डू एंड डज. ठीक है. रूल आप सबको पता ही होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. देन आपके ये आप चीजें पढ़ चुकी हूँ, अब मैं आपको थोड़ा और डेप्थ में बता रही हूँ. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, जो काम आपका करंटली चल रहा है आपका, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं. एक मिनट, ये रहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, इज सिंगुलर के साथ लगता है, एम आई के साथ लगता है, आर जो लगता है आपका प्लूरल के साथ लगता है. इसका रूल देखा जाए तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होती है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. इसकी हिंदी में पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट, मूविंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. मतलब कहने का मतलब है अभी थोड़ी देर पहले ही, जस्ट मतलब अभी से थोड़ी देर पहले ही कोई काम हो चुका है. प्रेजेंट इंडेफिनिट बताता था कि वी आर नॉट श्योर कि काम कितना हुआ कितना नहीं हुआ. कॉन्टिन्यूस बताता था कि काम अभी स्टिल इन प्रोग्रेस है. परफेक्ट टेंस आपका बताता था द वर्क हैपेंड जस्ट बिफोर नाउ, अभी थोड़ी देर पहले ही काम खत्म हो चुका है आपका. इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है आपकी हैज एंड हैव. इसका रूल जो होता है, इसका जो होता है हिंदी में पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं. ऐसे सेंटेंसेस जिनके पीछे चुका है, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ, तो ये जो हाथ होते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं. इनका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव जो कि हेल्पिंग वर्ब्स होती है हमारी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. अब हम लोग आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज आपको और बताऊंगी. द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज नेवर यूज्ड व्हेन द टाइम और डेट द एक्शन इज मेंशन. मतलब काम हो चुका है,
जब डेट पर्टिकुलर टाइम और पीरियड दिया हो तो परफेक्ट यूज नहीं करते, वो हम सबको पता है कि हम क्यों नहीं यूज करते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। कोई काम रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, बॉब हैज रिलीज द बर्ड्स फ्रॉम द केज, बॉब ने जस्ट रिलीज करे हैं अपने बर्ड्स को, मतलब पिंजरे में से आजाद करा है। द ट्रेन हैज हॉल्टेड एट द स्टेशन, ट्रेन जो है वो हॉल्ट हुई है, मतलब रुकी है थोड़ी देर स्टेशन पे, रुक चुकी है अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, अभी मतलब जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही रुकी है वो। अ पास्ट व्हेन द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज अनस्पेसिफाइड, मतलब कहने का मतलब जब टाइम आपको पता नहीं काम कब हुआ कब है बट हो चुका है आपका। This has happened before. Jennifer has met you once. ये सब conditions को दिखाने के लिए आपका जो होता है present perfect tense use होता है। Recently completed action, when the time of completion is unspecified, जब आपको time नहीं पता हो कि काम कब complete हुआ है। ऐसा कोई past का action जो अभी still continuation में है। Changes which have happened over time, ऐसे changes जो काफी time में हुए, काफी time लगा उन्हें लेने में। The deposit has led the country to ruins. Despot. Pooja has turned into a high flying socialite. Okay. When the consequences are more important, जब consequences actions से ज़्यादा important होते हैं, a past action who benefits can be felt to this delay. ऐसा past का action जो whose benefit जिसका benefit जो है, वो उस day में आप present आप feel कर रहे हो, ठीक है? Like I have learnt how to speak in Mandarin, ठीक है, मैं सीख चुका हूँ कि Mandarin कैसे, ये काम आप बहुत पहले से कर रहे होंगे बट उसका इफेक्ट आप आज फील कर रहे हो कि अभी थोड़ी देर पहले ही आपने सीखा है, अब आप फील कर रहे हो कि हाँ मुझे आ गया है ये चीज। तो कहने का मतलब यही है आपका कि कुछ नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं, हैज है, इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इनकी ये सब पहचान है। एंड जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जो काम हुआ, जस्ट बिफोर नाउ, ऐसा कोई काम हुआ तो आपका वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होते हैं आपके? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच मे बी हैपेंड इन द पास्ट एंड हैज टू कंटिन्यू अप टू दिस वेरी मोमेंट। कहने का मतलब है ऐसा काम जो आपका स्टार्टिंग तो पास्ट में हुआ था बट वो अभी तक आपका कॉन्टिन्यू है और आपको पता भी है टाइम का कि वो टाइम कॉन्टिन्यू है। परफेक्ट में क्या था, काम पहले स्टार्ट हुआ होगा बट वो कंप्लीट भी हो चुका थोड़ी देर पहले बट टाइम नहीं पता था। यहाँ पर हमें पर्टिकुलर टाइम पता है या पर्टिकुलर पीरियड पता है कि 2 घंटे पहले काम स्टार्ट हुआ था या 4 घंटे पहले काम स्टार्ट हुआ था, हमें यहाँ पे पता होता है। यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होती हैज एप के साथ बीन लग जाता है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है आपका प्लस, तो इसका रूल क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस हैज एप प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फोर। सिंस और फोर के बीच में माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ, सिंस जो लगता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, फोर जो लगता है आपका वो पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए लगता है कि मतलब 4 घंटे से 5 घंटे से, ठीक है। बट अगर कोई बोले कि 10 बजे से तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम हो गया। मैंने आपको रूल बता दिया, ठीक है, इसका ये पहचान ही होती है कोई टाइम दिया होता है, स्पेसिफिक टाइम दिया जो हुआ होता है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल मीरा हैज बीन वेटिंग फॉर यू एट द रिसेप्शन, मीरा जो है आपके लिए रिसेप्शन पर वेट कर रही है, ठीक है। बट यहाँ पर लॉरेल हैज बीन लॉयनल हैज बीन वेटिंग हिज असाइनमेंट सिंस 6 o'clock। कहने का मतलब है जो लॉयनल है, किसी का नाम है, कोई लड़का भी हो सकता है लड़की भी, जो अपना राइटिंग कंप्लीट कर रहे हैं, कब से अपना असाइनमेंट कर रहे हैं, सिंस 6 o'clock से ही अपनी राइटिंग कंप्लीट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम इसमें दे रखा है, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेम्बर द वर्ड्स फॉर एंड सिंस, ये मैं बता चुकी हूँ आपको, फॉर एंड सिंस मतलब ड्यूरेशन बताने के लिए किया जाता है बट जो आपका सिंस यूज किया जाता है वो एक एक्शन बताने के लिए किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए कोई एक्शन कब परफॉर्म हुआ, एंड फोर जो होता है वो पीरियड बताता है, आपका ड्यूरेशन बताता है, ठीक है। Use for to talk about the duration. अब example देख लो, अब the principal has been lecturing us for 1 hour. 1 घंटे से lecture दे रही है, उन्होंने ये नहीं बोला कि 10 बजे से lecture दे रही है, पिछले 1 घंटे से lecture दे रही है। तो जब आपको ऐसा बोले 1 घंटा time period दिया हो, duration दिया हो, और जब exact time हुआ तो since, और time period या duration दिया हो तो 4 आता है आपका। For example,
राम सिंह हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 1980 से काम कर रहे हैं। आप ये बोलते हैं पिछले 10 साल से कर रहे हैं तो भैया फोर आ जाता। आपने बोला सिंस 1980, एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया, स्पेसिफाइड टाइम दे दी, 1980 से काम कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। यही हमारा प्रेजेंट टेंस खत्म होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बताना चाहूंगी कि जैसे प्रेजेंट की 4 कैटेगरीज होती है, वैसे ही आपकी पास्ट की भी सिमिलर सेम कैटेगरीज होती है। इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सेम आपकी यही होती है, कोई उसमें अलग नहीं होता है। बस ये होता है कि जो चीजें आपकी प्रेजेंट में थी वो अब वो पास्ट में हो जाएंगी, मतलब बीते हुए कल में हो जाएंगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डिड लग जाती है। इसमें सेंटेंस आपका अधूरा होता है, मैंने खाया, वो स्कूल गया, मतलब गया, खाया, पिया, सोया, इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं आपके। इसका रूल होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉरी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपका पास्ट इनडेफिनेट ही होगा। इससे क्या हो रहा है, पास्ट इनडेफिनेट से हमें यह पता चलता है कि टाइम तो आपका पास्ट का है बट जो वर्क है आपका वो इनडेफिनेट है, हमें नहीं पता कितना कंप्लीट हुआ कितना नहीं। पास्ट कॉन्टिन्यूस ये बताता है कि काम आपका काफी, मतलब स्टिल इन प्रोग्रेस है बट पास्ट में ये स्टिल इन प्रोग्रेस था। परफेक्ट मतलब पास्ट में हो चुका था ये, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट में चल रहा था किसी पर्टिकुलर टाइम से, ठीक है, या पॉइंट ऑफ टाइम से। पास्ट टेंस वही बताया मैंने आपको, सिंपल पास्ट टेंस, हैबिट्स, ये देखो कंप्लीटेड एक्शंस, हैबिट्स बताने के लिए पास्ट की, पास्ट के फैक्ट्स बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू यस्टरडे, मैं इंटरव्यू के लिए अपीयर्ड हुआ बट कब हुआ, यस्टरडे, आज नहीं हुआ, प्रेजेंट में नहीं है वो बात, फ्यूचर, वो पास्ट की बीती हुई बात हो चुकी है, ठीक है। मीरा पेड हर बिल्स, मीरा ने अपने बिल्स पे किए, ठीक है, मीरा ने बिल्स पे किए, ठीक है, मैंने कहा ना किया, सोया, खाया, इस तरीके के सेंटेंसेस आपके पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब पास्ट में बीते हुए कल में कोई काम चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो वॉज वर्ब होता है, आप देख रहे हो, तो इसका रूल बनता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो होती है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस है, मतलब पास्ट में आपका कोई काम प्रोग्रेस में था। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, राकेश वॉज पेंटिंग ऑन अ ह्यूज कैनवस, राकेश पेंटिंग कर रहा था एक बड़े कैनवस पे, कर रहा था, अभी कर नहीं रहा है, वो कर रहा था, ठीक है, यानी कि बीते हुए कल में काम चल रहा था। संगीता वॉज टॉकिंग इन हर स्लीप, संगीता नींद में बात कर रही थी। इसी तरीके से आप और एग्जाम्पल्स पढ़ के चीजों को और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। थर्ड आता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया हमारा, सॉरी, पास्ट परफेक्ट टेंस आता है आपका। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब आपका पास्ट में कोई काम चुका था, चुके थे। ऊपर वाला पास्ट कॉन्टिन्यूस का क्या आपकी पहचान होगी, जो आपने पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा इसकी पहचान होगी, रहा था, रही थी, रहे थे। और इसका जो होगा पहचान पास्ट परफेक्ट टेंस का आपका चुका था, चुकी थी, चुके थे, मतलब वो काम हो चुका था। वही देखो उल्टा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता था, चुका है, चुके हैं, चुकी है, अब क्या होता है, इनका हिंदी में क्या पहचान होता है, चुका था, कोई काम कर चुका था, चुके थे, ठीक है, बस पास्ट में चल के चीजें वही चल रही है आपकी। यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपकी वहां प्रेजेंट में हैज एव थी, यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएंगी, हैड आ जाएगा, एंड वर्ब की थर्ड वर्ब सब्जेक्ट प्लस हैड विच इज अ हेल्पिंग वर्ब विच रिमेन सेम इन ऑल केसेस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पास्ट टेंस अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी यूज नहीं होता, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब पास्ट में कोई काम चल रहा था बट कोई पॉइंट ऑफ टाइम या कोई ड्यूरेशन से चल रहा था, ठीक है। इसमें जो होता है रूल इसका होता है आपका हैड सेम रहता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर। सिंस वही बताया, सेम रहता है आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, एंड पास्ट फोर बताता है आपका कि 4 घंटे 5 घंटे, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, कृष्णा हैड बीन टॉकिंग टू हिमसेल्फ इन अ स्टुपोर, विलियम हैड बीन स्लीपिंग ड्यूरिंग द लेक्चर, मतलब विलियम आपका जो है वो ड्यूरिंग द लेक्चर सो रहा था, कृष्णा हैड बीन टॉकिंग टू हिमसेल्फ इन अ स्टुपर, एक्शन विच मे हैव स्टार्टेड एंड मे हैव येट गॉन फॉर अ व्हाइल इन द पास्ट, थोड़ी देर पहले ही मतलब वो काम आपका स्टार्ट हुआ है अभी, ठीक है।
काफी देर से मतलब पास्ट में वो काम आपका चल रहा है, कहने का मतलब ये है अभी तक आपका वो काम खत्म नहीं हुआ है। जरूरी नहीं है हर किसी में पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो आपका या पीरियड दिया हो, बट आपको ये बीन से पता चल जाता है आपको, एंड बीन के साथ आपकी फर्स्ट रोक प्लस आईएनजी, वो ये पता चल जाता है आपको कि कोई काम एक्शन स्टार्ट हुआ था अभी एंड हुआ, बट अभी स्टिल अभी चल रहा है आपका एक्शन, अभी खत्म नहीं हुआ है आपका, ठीक है। सिमिलरली माई डियर स्टूडेंट्स, सिंपल फ्यूचर टेंस सेम है, बट इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगी जिनको ऑक्सिलरीज बोलते हैं हम लोग, कोई काम फ्यूचर में होगा, जो काम आपका फ्यूचर में होगा, विल और शेल लगता है इसमें आपका, ठीक है। विल शेल, अब शेल जो लगता है वो आई और वी के साथ लगता है, विल जो आपका लगता है वो रेस्ट ऑफ जितने भी आपके आते हैं वर्ड्स उनके साथ लगता है, ठीक है। ये फ्यूचर के इवेंट्स को बताता है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रेजेंट एक्शन, आज कोई काम कर रहे हो उसके एक्शन फ्यूचर में क्या होंगे ये बताते हैं ये। प्रॉमिस और प्लान वो भी हम फ्यूचर के लिए करते हैं। फ्यूचर फैक्ट्स एंड फ्यूचर की हैबिट्स और फैक्ट्स के बारे में बताता है। एग्जांपल देख लेते हैं, जो सिंपल फ्यूचर टेंस होते हैं उनका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस लाइक देखो द लॉन्च विल बी रेडी इन 10 मिनट्स, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपका द लॉन्च के बारे में भी सब्जेक्ट विल लग गया क्योंकि सिंगुलर आपका, मतलब मैंने कहा ना आईवी के साथ शेल लगता है बाकी सबके साथ विल लगता है आपका। रेडी बी रेडी, रेडी होगा आपका इन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में आपका जो लॉन्च होगा वो आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, यू विल गेट रिग्रेट इफ यू आर हास्टी, आप बहुत जल्दी जल्दी अगर आज के टाइम में आप बहुत जल्दबाजी करोगे तो आपको फ्यूचर में रिग्रेट होगा। तो मतलब आज प्रेजेंट में आप हास्टी होने का एक्शन कर रहे हो तभी तो आपको फ्यूचर में उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर मतलब आने वाले समय में काम चल रहा होगा। तो इसमें क्या होता है रूल आपका, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बी मतलब होना वो काम फ्यूचर में हो रहा होगा, ये इसका रूल होता है आपका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई विल बी स्टडिंग इन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आने वाले टाइम में मैं पढ़ रहा हूँ कहाँ पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहा हूँ। फाल्गुनी एंड आई विल बी अकम्पनिंग शीतल टू हर हाउस, फाल्गुनी और मैं सा जाएंगे मतलब शीतल को कंपनी देने जाएंगे उसके घर पर, जाएंगे अभी गए नहीं है, ना वो काम हुआ था ना वो हुआ है, अभी वो होगा, फ्यूचर की बात चल रही है आपकी और वो फ्यूचर में हो रहा होगा, इसमें होगा कर रहे होंगे, कर रहा होगा, रहा होगा, रहा रही होगी, रहे होंगे, इस तरीके की पहचान है इसकी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मैंने बोला कि फ्यूचर में ये काम हो चुका होगा बट टाइम नहीं दिया होगा कब, तो इसमें आपका सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस आपका हैव लगता है हमेशा दोनों के साथ प्लस आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां आती है वहां तो आपका परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो इसका रूल मैंने बता दिया आपका। इसमें भी होगा चुका होंगे, चुके होंगे, पहचान कर चुके होंगे, ठीक है। पहचान देखो सब में एकदम सिमिलर चल रही है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपका सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव दोनों के साथ हैव ही आएगा, यहाँ पे हैज नहीं आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मनीषा विल हैव क्लीन द रूम बाय द टाइम वी रिटर्न, मनीषा अपना रूम साफ कर चुकी होगी कब तक, जब हम रिटर्न होके आएंगे, ठीक है, कंप्लीट हो चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यहाँ पर क्या होगा, कोई काम फ्यूचर में चल रहा होगा बट एक पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा, या हमें इससे पता चल जाएगा कोई काम स्टिल अभी कंटिन्यू है, स्टार्ट पहले हुआ था वो बट अभी फ्यूचर में वो चल रहा होगा। तो इसका रूल होता है आपका सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने आपको रूल्स और पहचान साथ में इसलिए दिए ताकि आपको चीजें रिविजन भी होती रहे और आप चीजों को अच्छे से समझ पाओ, बाकी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो आपको आप जितनी बार अच्छे से पढ़ोगे वो आपको समझ आएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, सिंस और फोर का यहाँ पे सेम यूज रहेगा, सिंस मतलब आपका टाइम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फोर आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अनुजा विल हैव स्लेप्ट एज शी विल हैव बीन अवे फॉर 2 आवर्स, वो अभी तक सो चुकी होगी बिकॉज वो बहुत दो
दो घंटों से जाग रही थी, यहाँ पे क्या दे रखा था, पीरियड दे रखा था, तो इसलिए यहाँ पे फोर लगाया हमने। बीन से आपको पता चल रहा है शी विल हैव बीन, यहाँ पर देखो क्या करा गया है, यहाँ पर जो है दो सेंटेंसेस है आपके, पहला है अनुजा विल हैव स्लेप्ट, ये आपका आ गया पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में, और ये शी विल हैव बीन अवेक ऑफ टू आवर्स, ये आपका कैटेगरी में आ गया प्रेजेंट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, बिकॉज यहाँ पे बीन आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज आपको मैं और बताऊंगी, लाइक जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जतिन विल हैव लेफ्ट अस as he will have been waiting for 2 hours by then. Jatin jo hai, usne jo hai, ab wo ja chuka hoga because he will have been waiting for 2 hours by then. ठीक है, वो तब तक 2 घंटे तक वेट कर चुका होगा, वो कर रहा होगा, तो बेसिकली पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है इसके अंदर, पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है। तो इन नटशेल माय डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आपका कंप्लीट हुआ है, अब आपको ज्यादा से ज्यादा इसको रीड आउट करना है, इसके टेंस सेंटेंसेस को पढ़ना है और पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उनके टाइप्स को। होप यू ऑल लाइक्ड माय वीडियो, माय डियर स्टूडेंट्स, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग इंग्लिश, हैव अ नाइस डे।